सभी स्टूडेंट्स के लिए दो मुख्य अपडेट जारी की गई हैं। एक जो अपडेट है, इससे पहले मैं बता दूं कि मैं आपको शायद हर वीडियो में कहता हूं कि वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है, विनती है, अनुरोध है कि वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बिना स्किप के हुए, एक भी सेकेंड के लिए स्किप नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं आपकी जानकारी के लिए ही, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। इसमें दो अपडेट जारी की गई है, एक BTUP अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और जो दूसरी अपडेट है वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप उस अपडेट को नहीं करते हैं। उन सारी चीज़ों को, जो दूसरी अपडेट है उसके बारे में जानकारी आपको नहीं है और उसका काम आप नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा समझिए कि हानिकारक हो जाएगा आगे चल के और बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जो पहली अपडेट है। और देखिए, इससे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूँ कि आपको मालूम हो कि कुछ अपडेट मैं देता हूँ तो हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि 90-100% बच्चों में से मान लीजिए कि अगर 10,000 बच्चे देख रहे हैं तो हो सकता है कि 500 या फिर 1,000 बच्चों को मालूम है तो वो कमेंट करने लगते हैं कि सर आप कैसी अपडेट दे रहे हैं, ये तो मुझे पहले से मालूम था। लेकिन वो अपडेट आपको मालूम था लेकिन आपसे, आपके पास मान लीजिए कि आप अकेले तो है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हो सकता है उसके बारे में मालूम ना हो, या फिर मालूम है तो वो काम उन्होंने नहीं किया हो, या फिर उनको मालूम ना हो कि इससे फायदा क्या होगा या फिर नुकसान क्या होगा। सारी चीज़ों को समझेंगे और जो भी चीज़ है डाउट्स होंगी बाद में तो आप कमेंट्स करेंगे लास्ट में वीडियो को देखने के बाद। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं पहले ही कमेंट्स करने लगते हैं, मान लीजिए मैंने रिजल्ट के बारे में बताया और पहले ही रिजल्ट के बारे में कमेंट करते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, जबकि वो जानकारी आपको वीडियो में दी हुई होती है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जो पहली अपडेट है आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पे बताया था कि जो CIET यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दूसरी अपडेट को ध्यान से देखेंगे। ये तो पहली अपडेट है, नॉर्मल सी अपडेट है, और ये जो आपके मतलब टेक्निकल कोर्सेज वगैरह हो गए उसके लिए आपके ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मल्टीमीडिया रिसोर्सेज फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, जिसकी आपकी क्लासेज आज से स्टार्ट होंगी। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर इसका लिंक कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप देखें इसका लिंक यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है, वीडियो लिंक, ठीक है। आज से आपका 22/8/2022 से 4 से 5 PM तक आपकी क्लासेज चलेंगे, मतलब 1 घंटे की क्लासेज हैं और डेली बाय डेली 26 तक चलेंगी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद यहाँ पे अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिख रहा होगा, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं ना किए हों, और ये फ्री सर्टिफिकेट है, आपको करना चाहिए। इसलिए कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कब किस सर्टिफिकेट का यूज़ कहाँ पे हो जाए आपको नहीं मालूम है, तो आपके पास जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट रहेंगे ऑनलाइन कोर्सेज के, ऑफलाइन कोर्सेज के, जितने भी सर्टिफिकेट रहेंगे वो आपके लिए, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है सारी चीज़, यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है, और डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ये सारी चीज़ें, और CIET और NCERT ये अप्रूव करके करा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और देखिए यहाँ पे जो चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि सर्टिफिकेट इसका डाउनलोड कैसे करेंगे। सर्टिफिकेट के लिए एक क्राइटेरिया है कि आपको एक क्विज देना पड़ेगा और क्विज में 70% अंक आपको 70% लाने होंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सारे डेट भी मेंशन की गई है कि 26 आपका पोस्ट सेशन क्विज लिंक, एक बार आपको क्विज देना है केवल। यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेंट्स आर अलाउड टू अटेम्प्ट द क्विज ओनली वंस एंड दोज स्कोरिंग 70%, मतलब एक बार ही आपको क्विज देना है। और ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट यहाँ पे देखिए 26 अगस्त 2022 से लेकर के 6 PM से लेकर के 25 सितंबर 2022 तक क्लोजिंग डेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हो सकता है आपको जानकारी मिल गई है। अगर आपका ईमेल आईडी पे मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं आ पाता है 30 दिन में तो आप स्पैम ईमेल में भी जाकर के चेक कर सकते हैं, मतलब कि उसमें होगा, ठीक है, ये सारी जानकारी। और यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, इस पर आप जाकर के फीडबैक भी दे सकते हैं। ये तो हो गई पहली अपडेट, नॉर्मल सी अपडेट। इसके बारे में अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो भी बना रखा है इस पर, आप जाकर के वीडियो को भी देख सकते हैं सर्च करके कि CIET इन्फॉर्मेशन या फिर CIET इन डिटेल्स या फिर CIET बाई फैक्ट टेक साथ, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते होंगे जानकारी उसके बारे में है, जो जानते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उनको तो सारी जानकारी मिल गई होगी। अब जो दूसरी चीज़ है इसके बारे में सारी जानकारी मिल गई, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को देखने के बाद ही कमेंट करेंगे। जो पिछली वीडियो मैंने बता रखी है उसको बना रखी है, सारी जानकारी मैंने उसमें दे दी है। जो दूसरी अपडेट है मुख्य अपडेट है और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब कि आप इंडिया में रहते, मान लीजिए कि आपके घर में जितने भी लोग होंगे, ये आधार कार्ड को, अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस बात को। आपने देखा होगा सबसे बड़ी इसकी जो मान लीजिए कि डिसएडवांटेज है, आपने देखा होगा कि जब स्कॉलरशिप का आप फॉर्म भरते हैं पैसा नहीं आता है, UID इनवैलिड करके आता होगा, जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, जो कि सबसे बड़ी UID मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, और UID मतलब UID नंबर होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपका इनवैलिड हो जाता है। आधार कार्ड ने एक आपके इस साल के शुरुआती में ही आधार कार्ड ने UIDAI ने यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक आपको अपडेट जारी किया था कि आपको जब आपको मालूम हो कि शुरुआती दौर में जब आपके आधार कार्ड वगैरह बने थे तो केवल एक नॉर्मल सा फॉर्म भर के आपका थंब इंप्रेशन लेकर के आपका आधार कार्ड बना दिया जाता था। अब क्या हो गया है, इसमें आपसे आधार कार्ड ने सीधे तरीके से कह दिया है यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। इसका वीडियो मैंने बता रखा है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इसका वीडियो भी मिल जाएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा समझेंगे।
मान लीजिए कि आपके पास आधार कार्ड है और जब आपका आधार कार्ड बना शुरुआती दौर में तो उसमें कोई प्रूफ वगैरह नहीं लगे, बस बेसिक सी जानकारी आपसे ले ली गई और आधार कार्ड बना दिया गया। लेकिन UIDAI ने ऑफिशियल तरीके से एक अपडेट जारी किया है जिसमें आपको अपना एड्रेस डॉक्यूमेंट और एक आपको अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, अटैच करना है, यानी कि अपने आपको आधार कार्ड से ऐड करना है। यहाँ पे पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे हम तो नहीं करेंगे सर, ऐसे ऐसे जानकारी देते हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या, हमें नुकसान का, हमारे तो आधार कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड से सारे काम हो रहे हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, दो चीज़ों पर मैं बात करूँगा, सबसे पहले स्कॉलरशिप, दूसरी आपके राशन, जो आपके राशन कार्ड हो सकता है कुछ यहाँ पे बड़े घर के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो राशन कार्ड वगैरह उठाते नहीं होंगे या फिर राशन कार्ड उनके घर बना नहीं होगा, उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन स्कॉलरशिप के बारे में तो सभी को मालूम होगा। तो राशन कार्ड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आपने देखा होगा, मान लीजिए कि आपके घर में 5 यूनिट हैं, 5 लोग हैं, 5ों का थंब इंप्रेशन होता है कि कोई भी जाकर के उठा सकता है, ठीक है, राशन जाकर के ले सकता है अपने जहां आपको राशन मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी सारी चीजें सही रहती हैं, सारा डाटा सही रहता है, फिर भी आपके राशन कार्ड से आपका क्या होता है, नाम हट जाता है, ऑटोमेटिकली हट जाता है। इसका रीजन यही है कि आपने कुछ चीजें वेरीफाई नहीं की है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सबका एक ही साथ हट जाए, जैसे बहुत सारे लोग नहीं किए हैं, लेकिन आपको अब ये भी नहीं मालूम है कि कब किसका हट जाएगा, जैसे कि जब जांच वगैरह होती रही है वहाँ पे शो होते रहेगा उनके सिस्टम में कि हाँ इन्होंने तभी एड्रेस अपना वेरिफिकेशन नहीं किया है, कुछ भी अपडेट नहीं किया है, तो आपकी चीज़ें हट जाएंगी। जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए कि मैं स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो अब मैं आपके हित के बारे में बात करूँगा, आपके लिए ही बात करूँगा, स्टूडेंट के लिए बात करूँगा। राशन कार्ड को आप अलग कीजिए, राशन कार्ड को छोड़िए, आप स्कॉलरशिप को ही लीजिए। कितनी समस्याएं हैं, UID यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को लेकर के इनवैलिड बताता है, या फिर कभी NPCI की दिक्कत आती है, तो जब ये जांच वगैरह हो रही है, सिस्टम में देखी जा रही है कि हाँ आपके आधार कार्ड से सारी चीज़ें लिंक है या फिर नहीं। अभी जो आपने जानकारी देखी होगी, अभी मैंने आपको नए चैनल पे आपको जानकारी मिली होगी कि परिवार कार्ड के बारे में, यानी एक घर एक नौकरी, एक परिवार एक नौकरी योजना 2022 के बारे में, इसके बारे में शायद आपको जानकारी हो भी या फिर ना भी हो, तो आप जाकर के देख सकते हैं सेकंड चैनल पे वो जानकारी कि आपको जो ये केवल UP के बच्चों के लिए है, लेकिन जो आधार कार्ड वाली सिस्टम है वो तो सभी के लिए है, और ये जो आपके एक परिवार एक नौकरी योजना है ये केवल यूपी के लोगों के लिए है कि हर एक परिवार में एक एक नौकरी मिलेगी। अब देखिए आधार कार्ड से डिसएडवांटेज, अभी मैंने बताया कि जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं आप और स्कॉलरशिप में आप अपना आधार कार्ड ऐड करते हैं, वेरीफाई करते हैं, लेकिन अगर आपने अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया है पुराने तरीके से, मतलब पुराना ही रह गया है, तो अपडेट नहीं किया है, तो इस बार जो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी उसमें काफ़ी दिक्कतें होंगी। समझिए कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि बैंक में भी नहीं आ पाएगी, मतलब डायरेक्ट कह दिया जाएगा कि हाँ आपका रिजेक्ट हो गया है, आपका UID इनवैलिड के चलते या फिर NPCI के चलते आपका पूरा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए कि जब आपका आधार कार्ड ही अपडेट नहीं रहेगा तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि इस बार नहीं आएगी। और गवर्नमेंट आने वाले समय में, इसलिए कि डायरेक्ट गवर्नमेंट ने भी कह दिया है और UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है कि अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आने वाले समयों में जो भी आप आधार कार्ड का यूज करते हैं, सपोज कीजिए कि आप पासपोर्ट बनवाने के लिए, लाइसेंस बनवाने के लिए, जिस भी चीज़ को बनवाने के लिए यूज करते हैं आप आधार कार्ड का, तो अपडेट नहीं रहेगा तो वो भी काम आप नहीं कर पाएंगे और आपका आधार कार्ड है वहाँ पे काम में नहीं आएगा। अभी इसके बारे में शासन द्वारा कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में ये जानकारी जरूर आ गई है कि हाँ आपको अपने आधार कार्ड से, मतलब आधार कार्ड में अपना जो आपका पैन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ऐड करना है और एक एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो है आपका, उसको ऐड करना है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी सेकेंड चैनल पे दे दी थी, अगर आपको देखना है, और ये कंपलसरी है केवल आपके लिए नहीं, चूंकि मैं आप स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, B2B के स्टूडेंट के बारे में, इसलिए मैं आपको स्कॉलरशिप का उदाहरण लेकर के बता रहा हूँ, लेकिन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप अपने अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करते हैं तो आगे चल के बहुत दिक्कत आ जाएगी। ₹25 चार्ज है आपको अपडेट करने पर, साइबर कैफे से जाकर के कराएंगे तो वहाँ से ₹75-100 वो आपसे लेगा। आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिख रहा होगा, और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कई बच्चे कि सर हमसे सब्सक्राइब करवाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं ऐसी बात है, देखिए मेरे पास जो भी अपडेट आती है, आप सपोज कीजिए कि एक बच्चा है और एक माँ है, तो बच्चे को तकलीफ होगी तो वो क्या करेगा, रोएगा और अपनी माँ की ओर इशारा करेगा, माँ को बुलाएगा, या फिर माँ पहले से ही सोची रहेगी कि मैं बच्चों को ऐसी जगह रखूँ, ऐसी जगह बैठाऊँ या फिर ऐसी जगह उसको सुलाऊँ जिससे उसको वहाँ पर कोई तकलीफ ना हो, वहाँ पर उसको कोई दिक्कत ना हो, माँ पहले से ही सोचेगी। इसी तरीके से टीचर, अगर स्टूडेंट की बात ले रहे, टीचर भी सोचता है कि मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाऊँ, ऐसे मैनेज करूं कि सारी चीजें कुछ जान, मतलब हर एक प्रकार की जानकारी दे दूं कि आगे चलकर उसको कोई दिक्कत ना हो। सेम यही उद्देश्य है मेरा कि मान लीजिए कि अगर आपने अपडेट नहीं किया, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपने आपने इसको हल्के में ले लिया, चलिए ठीक बात है कि आपने अपडेट नहीं किया, आपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई नहीं किया, अपडेट नहीं किया, ठीक है।
अगर आपकी स्कॉलरशिप की राशि जब आ रही है और आपकी नहीं आएगी तो सोचिए कि आपको कितना दुख होगा, और उस वक्त आप हमारे पास कमेंट करेंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, सर मेरी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है, इस बार UID इनवैलिड दिखा रहा है, NPSCI की समस्या आ रही है, या फिर कोई और दिक्कत, वहाँ पे बहुत सारी इसके नाम से UID के नाम से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं स्कॉलरशिप में, तो ये दिक्कत आएंगी तो आप कमेंट करेंगे, मैसेज करने लगेंगे, तो उस वक्त तो इसका कोई सलूशन मिलेगा नहीं। इसलिए मुझे मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले से ही आपको सचेत कर देना कि हो सके कि कुछ बच्चों को ये जानकारी पहले से मिल गई होगी, उन्होंने अपडेट कर लिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं मिली होगी और उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया होगा। तो सभी बच्चे जाकर के एक बार अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाकर के अपने साइबर कैफे के पास, जो आपके साइबर कैफे वाले होते हैं, आपके नजदीकी सेवा केंद्र कह लीजिए, वहां से जाकर के आप अपडेट करा सकते हैं। और आने वाले समय में इसकी आपको मालूम है कि आधार कार्ड से आपकी हर एक चीज ऐड हो रही है, पैन कार्ड और राशन कार्ड, हर एक चीज, मतलब हर एक चीज आपके आधार कार्ड से ऐड हो रही है, अटैच हो रही है, और जो परिवार कार्ड बनेगा उसमें भी सारी चीजें ऐड होंगी। तो ये इसके लिए काफी अनिवार्य है कि सभी बच्चे जाकर के, इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसके बारे में मैंने आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिख रहा होगा एक ऊपर वीडियो का, वहां पर जाकर क्लिक करके पूरी जानकारी देख सकते हैं। अपने मोबाइल फोन से भी आप इसको डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, PDF फॉर्म में या फिर JPG में, कुछ भी फॉर्म में हो, आपके फोटो वगैरह या फिर PDF वगैरह, PNG वगैरह, उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको ₹25 अपने बैंक अकाउंट से कटवाना पड़ेगा। अगर आप फोन पे, गूगल पे या फिर अदरवाइज कोई ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन पेमेंट का यूज करते होंगे तो आप अपने फोन से कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप जाकर के जरूर करा तो जरूर लेंगे, इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ही नहीं, आपके पूरी फैमिली के लिए, जितने भी आपके मेंबर्स होंगे घर में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी को जानकारी शेयर जरूर कर देंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।